अगेन आई एम हियर विथ आयुपैक नॉमनक्लेचर और पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स. हम लोग जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स कर रहे हैं वही हम लोग अभी कंटिन्यू करेंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके तुम लोग को भी लाइक थोड़ा और प्रैक्टिस से मतलब समझ में आए कि कैसे तुम लोग को सॉल्व करना है. राइट, सो फर्स्ट प्रॉब्लम लेंगे. यस, यहाँ पे कैसे हैं कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि क्लोरीन ब्रोमीन नाइट्रो, ये मैंने लास्ट टाइम भी एक ऐसे ही प्रॉब्लम दिया था. सो हेलोजेंस एंड नाइट्रो दे आर एकदम नीचे है प्रायोरिटी में, एकदम ही नीचे, अल्केन उसके ऊपर है. सो ये मेन अल्केन है. ओके, तो हम लोग को नंबरिंग देना है. तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 यहाँ से देंगे तो ज़्यादा बेटर है. दो सब्स्टिट्यूएंट्स तो यही साइड पे हैं. ओके, तो यहाँ पे उसका नाम होगा 3-ब्रोमो, अल्फाबेटिकली जाना है, 2-क्लोरो, 5-नाइट्रो, हेक्सेन. राइट, नेक्स्ट. ओके, यहाँ पे दो फंक्शनल, सबसे पहले कोई भी कंपाउंड अपने सामने आता है, कोई भी स्ट्रक्चर अपने सामने आता है, तो हमें देखना है कि इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है. एक है तो अल्कीन है और एक अल्डिहाइड है. यहाँ पे अगर देखो देखते हो तो ये अल्डिहाइड है और ये अल्कीन है. अल्डिहाइड और अल्कीन में अल्डिहाइड प्रायर होता है. ओके, सो यहाँ पे इसका नाम होगा, तो इससे नंबरिंग हमें यहाँ से करनी पड़ेगी. सो दिस इज 1, 2, 3, 4. तो नाम इसका ये हुआ कि सेकंड वाले कार्बन के पास डबल बॉन्ड है. राइट, तो नाम इसका हुआ 2 और 4 कार्बन है इसके लिए 2-ब्यूटीनल. ब्यूटीनल होगा, अल्कीनल, बिकॉज अल्कीन है इसमें. ओके, नेक्स्ट. अभी यहाँ पे भी देखोगे तो यहाँ पे भी अल्काइन है और अल्डिहाइड है. ऑब्वियसली अल्डिहाइड प्रायर है. यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और 5 ऐसे आएगा. और यहाँ पे नाम लिखने के टाइम पे नाम तुम लोग को लिखना है 3-पेंटाइनल, ये नहीं भूलना, बिकॉज दिस इज अल्काइन. तो इसके लिए इसका नाम होगा पेंटाइनल. ओके, नेक्स्ट. यहां पे फंक्शनल ग्रुप जब फाइंड आउट करोगे, कीटोन है और अल्डिहाइड है. तो कीटोन और अल्डिहाइड में प्रायोरिटी होती है अल्डिहाइड की, और कीटोन हो गया सब्स्टिट्यूएंट. जब कीटोन सब्स्टिट्यूएंट होता है उसको ऑक्सो बुलाते हैं. तो नंबरिंग हम लोग ऐसे करेंगे 1, 2, 3, 4, 5. तो लिखने के टाइम पे लिखेंगे 3-ऑक्सो पेंटेनल. राइट, यहाँ पे अल्किन अल्काइन कुछ भी नहीं है, नॉर्मल अल्केन है, सिंगल बॉन्ड है. सो पेंटेन आएगा और अल आगे अल्डिहाइड का लगेगा. ओके, यहां पे कीटोन है और अल्कोहल है. कीटोन और अल्कोहल में कीटोन इज अ प्रायोरिटी ग्रुप. तो नंबरिंग चालू होगी यहां से. सो 1, 2, 3, 4. सो
और अल्कोहल जब सब्स्टिट्यूट होता है उसको हाइड्रोक्सी बोलते हैं। सो ये हो गया 4-hydroxy-2-butanone बोल सकते हैं, या ब्यूटेन टू ओन बोल सकते हैं, राइट? नेक्स्ट, ओके। अभी यहाँ पे जो है कीटोन है एंड अल्कीन है। कीटोन और अल्कीन में कीटोन प्रायर होता है, तो नंबरिंग हम लोग करेंगे यहाँ से। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6। सो इसका नाम हुआ हेक्सीनोन हो गया ये, बट हेक्सीनोन का हमें अपने को स्ट्रक्चर देना है, तो मतलब नाम उसका पोजीशन हम लोग को बेसिकली देना है, तो इसका ये होगा हेक्सीन, ओ 4-hexene-3-ओन। यहाँ पे आपने डबल बॉन्ड की पोजीशन दे दी, यहाँ पे आपने कीटोन की पोजीशन दे दी, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट में यहाँ पे अल्कीन है, अल्कोहल है। अल्कीन और अल्कोहल में अल्कोहल इज अ प्रायोरिटी ग्रुप, नंबरिंग यहाँ से चालू होगी। तो इसका नाम होगा पेंट 4-ene लिख सकते हो, या 4-pentene लिख सकते हो, हम लोग इस तरह से लिखते हैं, पेंट 4-ene-2-ol। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, अब यहां पे ईथर है, ये वाला जो पोर्शन है वो ईथर है और ये अल्कोहल है। ऑब्वियसली अल्कोहल प्रायर है, नंबरिंग यहाँ से 1, 2, 3, 4, तो ये अल्कोहल हो गया, राइट? तो यहाँ पे ईथर एज अ अल्कोक्सी इसका नाम होगा। सो इसका नाम हो गया 2-methoxy-butanol, या 1-butanol, या 1-butanol, या सिंपली ब्यूटेनॉल भी लिख सकते हो, ओके? अभी अल्कीन और अल्काइन ये दोनों साथ में हैं, यहाँ पे अल्कीन और अल्काइन ये दोनों भी साथ में हैं, तो ऐसे केस में हमेशा प्रेफरेंस देंगे अल्कीन को, क्योंकि अल्कीन पहले आता है, बट नाम लिखने के टाइम पे हम लोग एज अ अल्कीनाइन ऐसे नाम लिखा जाएगा। तो प्रेफरेंस तो यहाँ से ही होगा 1, 2, 3, 4, 5। सो ये टोटल नंबर ऑफ कार्बन है 5। सो नंबर होगा, इसका नाम होगा पेंट 2-ene-4-wine। सो ये 29, ओके? ऐसे इसका नाम हो गया, ये नहीं भूलना कभी भी। और एक ऐसे ही रिलेटेड में एक प्रॉब्लम लेते हैं,
यस, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी अल्कीन अल्काइन है तो हमें वैसे ही, बट यहाँ पे नंबरिंग यहाँ से चालू होगी, अल्कीन प्रेफरेंस है तो यहाँ पे कार्बन को नंबरिंग देनी है, राइट? यस, तो यहाँ पे हो गया, ये टोटल नंबर है 5। सो पेंट वन इन, फोर वाइन, इस तरह से हम लोग इसे लिखेंगे। ओके, तो ऐसे ही हमें और भी प्रॉब्लम्स करने हैं, तो हम लोग को उल्टे वाले प्रॉब्लम्स भी आने चाहिए, वो भी है। और हम लोग को जो मतलब, अगर तुम लोग को नाम दे दिया जाए, और अगर समझ लो तुम लोग को कोई भी नाम दे और उससे तुम लोग को स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, वो भी तुम लोग को आना चाहिए। तो वो थोड़ा हम लोग डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। वो भी है कि अगर 4-ethyl 3-4-dimethyl ऑक्टेन, ऐसे अगर स्ट्रक्चर देते हैं तो तुम लोग को पहले पता होना चाहिए ऑक्टेन मतलब 8 कार्बन है, तो इसका सीधा सीधा 8 कार्बन लिख लो। ओके, तो कहाँ से भी कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको नंबरिंग करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, फोर्थ पोजीशन पे इथाइल है, देन थर्ड पोजीशन पे और फोर्थ पोजीशन पे मिथाइल है, राइट? तो और पूरा हो गया, बाकी इसका ये कर दो वैलेंसी, ये इसकी तो चारों पूरी हो चुकी है, तो यहाँ पे ये कुछ नहीं आएगा। इसकी 3 हुई है तो इसको 1 ही आएगा, इसको 2 आएगा और इसको 3 आएगा। इस तरह से तुम्हें लिखना है। नेक्स्ट लेते हैं 1-chloro-2-propanol। तो प्रोपेनॉल है मतलब 3 कार्बन है, सेकंड पोजीशन पे OH है, फर्स्ट पोजीशन पे क्लोरीन है। भी पूरा कर दो बाकी का। ये हो गया 1-chloro-2-propanol, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे भी आ सकता है 4-isopropyl-3-methyl-heptane। अभी आइसोप्रोपाइल जब होता है ना, अभी इसमें पहले तो सबसे पहली बात तो है हेप्टेन, तो 7 कार्बन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3 पोजीशन पे मिथाइल है, और 4 पोजीशन पे आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल मतलब CH, CH3, CH3, ये वाला ग्रुप आइसोप्रोपाइल बोला जाता है। और अभी बाकी पूरा कर दो। नेक्स्ट टू थ्री डाइमिथाइल 1-3-ब्यूटाडाइन। ओके, अभी ब्यूटाडाइन है, ब्यूटा मतलब 4 है, तो 1, 2, 3, 4, 1 और 3 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे 1 एंड 2, 3 यहाँ पे डबल बॉन्ड दिया। 2 पोजीशन पे मिथाइल है, 3 पोजीशन पे मिथाइल है, अभी लिख दो। ये तो इसका हो गया है, इसका भी हो गया है, और ये इस तरह से, राइट? नेक्स्ट
2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। तो ब्यूटेनोइक एसिड मतलब चार कार्बन हुए, यहाँ पे OH है, सेकेंड एंड थर्ड पोजीशन पे मिथाइल है। पूरा कर दो बाकी का, ये हो गए। ओके नेक्स्ट 3-pentene, पेंटीन मतलब पांच, तीन पोजीशन को डबल बॉन्ड है, हो गया। ये केस में ज़्यादा से ज़्यादा वैलेंसी पूरा करने में ही मार्क्स रहेंगे, ये वो अगर अच्छे से हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेनमाइड। इसका ये मतलब हुआ कि चार कार्बन है और अमाइड है, दो और तीन पोजीशन में मिथाइल है। पूरा कर दो राइट। नेक्स्ट 3-chloro बेंजोइल क्लोराइड। अभी बेंजोइल ये हमेशा C6H5 ग्रुप होता है बेंजीन का, जब उसको एसिड क्लोराइड ग्रुप लगता है तब हम लोग उसे ऐसे बोलते हैं। तो यहाँ पे ये बेंजीन ग्रुप है, सॉरी और यहाँ पे लगेगा C डबल बॉन्ड O Cl। तो दिस इज 3-chloro बेंजोइल क्लोराइड। नेक्स्ट 2-bromo 3-hydroxy प्रोपेनाल्डिहाइड। अभी प्रोपेनाल्डिहाइड मतलब तीन कार्बन है, अल्डिहाइड है, तीसरे पोजीशन पे OH है, दूसरे पोजीशन पे BR है राइट। तो ये हो गया